तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पर लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज फिर से हमारे साथ एक ट्रांसपोर्ट भाई बैठे हुए, जिनका की अपना ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम है, और अच्छे खासे समय से ये काम कर रहे हैं। और जिस स्टेप से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है वो सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में जो गलतियां लोग करते हैं, और तो शायद से इनका वीडियो देखकर आप समझ सकते हो कि कौन सा स्टेप इन्होंने लिया था अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और कैसे कैसे इन्होंने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो पूरी जर्नी हम जानते हैं इनके बिजनेस के बारे में, जो आज तक इन्होंने किया है अपने बिजनेस में। तो नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी। तो सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित जी, आपके ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है? धानी लॉजिस्टिक्स मेरे ट्रांसपोर्ट का नाम है। अच्छा, कि आज की डेट में आप कहाँ से अपना बिजनेस कहाँ से करते हो? मेरा रुड़की से स्टार्ट हो रहा है, भिवंडी लाइन चल रहा है मुंबई और आपका पुणे लाइन। अच्छा सर, एक चीज बताइए, अभी जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरा आपसे डिस्कशन हो रहा था आपके बिजनेस के बारे में, आपने ये बिजनेस स्टार्ट कब से किया था? मेरा बिजनेस जो स्टार्ट हो रखा है, वैसे तो 2009 से स्टार्ट कर रखा है मैंने, लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंने जो लिया है वो 2017 से लिया। 2017 से? तो अब मुझे ये समझना है कि 2009 में आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था और रजिस्ट्रेशन आपने 2017 में करवाया है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है कि उसी समय आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, इतना लेट आपने क्यों कराया, और इसके पीछे क्या कोई बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का कोई तरीका था कि आपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सके, या फिर कोई और कारण से आपने ये स्टेप किया था कि 9 साल के बाद अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया? ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि मैं 2009 से पहले स्टार्टिंग ही किया था किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू। अच्छा, उसके बाद आने के बाद मुझे अच्छा जैसे नॉलेज बढ़ती गई, मैं किसी कंपनी में जॉब करने लगा। ठीक है। मुझे जॉब करते करते कुछ नॉलेज ज्यादा हो गई, इसके थ्रू मैं 2017 में छोड़ दिया था जॉब, लॉजिस्टिक में जॉब करता था। अच्छा, वहाँ से छोड़ा हूँ, उसके बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया धानी लॉजिस्टिक्स के नाम से। ओके। जो अब धानी लॉजिस्टिक्स के नाम से चल रहा है और काफी अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा नहीं चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा, आज की डेट में जो आप बिजनेस करते हो, किस किस तरह का ट्रक का आप बिजनेस कर रहे हैं? मेरा ओपन का भी है और कंटेनर का, दोनों का काम है। अच्छा, तो ओपन में कौन सा है, कितने टायर का है, और कंटेनर में कितने टायर चल रहा है? टाटा एलपीटी 14 टायर, 12 टायर, 10 टायर, ये इसका काम करता हूं। ठीक है। जो कंटेनर है मेरा 25-18 है, अशोक लेलैंड का जो आता है, जो है 25-18 वो मेरा मल्टीएक्सल और सिंगल एक्सल दोनों चल रहे हैं। अच्छा, तो एक चीज बताइए, और सर इतने साल से बिजनेस कर रहे हो इस लाइन में और आपका खुद का भी काम है, आपके पास अपने भी ट्रक्स हैं? मेरे पास 20 ट्रक हैं। अच्छा, इसमें कुछ सिंगल एक्सल मल्टी एक्सल है, क्लोज बॉडी है, और कुछ मेरे पास ओपन बॉडी है 10-11। ओके, तो एक चीज बताइए, रुड़की सा बिजनेस करते हो, ऐसे भी बोला जाता है कि जो उत्तराखंड का जो बेल्ट है वहाँ पे इंडस्ट्री तो ऐसे भी जाता है, चाहे आपके आपके साइड में मुजफ्फर नगर हो गया या फिर हरिद्वार हो गया, सारे तो बिजनेस लाना कितना आपके लिए उधर मुश्किल रहा या आसान रहा, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था? क्या कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे ज्यादा उसको उस समय बिजनेस लाने में प्रॉब्लम होता है। आपके कुछ जो मित्र हैं जिनसे भी मैं मिला हूँ इससे रिलेटेड, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम आया था जो उन्होंने शेयर किया था, तो आपके साथ क्या, किस तरह से आपने जब स्टार्ट किया था बिजनेस तो किस तरह का आपने प्रॉब्लम उसमें फेस किया था बिजनेस को स्टार्ट करने में, और जो आप धीरे धीरे सीख करके आज की डेट में वो सारे प्रॉब्लम को खत्म किए? देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में जो होता है ना, तो बिजनेस तो उठाने के लिए बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे पकड़ना पड़ता है। ठीक है। किसी के पास जाना होता है वो मुझे आज सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये दो चक्कर तो लगाना ही पड़ता है, उसके बाद जाके आपको मिलता है लोन, उसके बाद बहुत सारे कभी किसी के पास जाना होता है, कभी किसी के पास जाना होता है, क्योंकि ब्रोकरी का काम ऐसे ही होता है, जो मेन ट्रांसपोर्ट होते हैं उनका काम ऐसे ही होता है। बिल्कुल। तो थोड़ा टाइम तो लगता है, टाइम के पीछे पीछे लगा करके ये सब जो है। मेरे पास उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इस टाइम ऊपर वाले भी दे रहे हैं कि ठीक ठाक है, ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि जैसे यहाँ से, जैसे आपने बताया था कि आपका मुंबई और पुणे लाइन के लिए आपका ट्रक जाता है, तो वहाँ पे ट्रक तो आपका पहुंच गया, तो वापस लाने के लिए क्या करते हो, क्या सेटअप आपने बना के रखा है कि आपको भाड़ा सही से मिल सके और वहाँ से ट्रक आपका लोड हो सके? क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे है जिनका मैसेजेस में देखता हूँ, कमेंट्स में देखता हूँ, रिसेंटली बात है कि कुछ लोगों के पास मेरे पास मैसेज आया था कि एक की गाड़ी थी जो कि कानपुर में 6 दिन से खड़ी थी, दो गाड़ी, और एक का मैसेज आया था कि उनके पास जयपुर में 4 गाड़ियां 4 दिन से खड़ी है,
तो इस तरह के लोगों के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो क्या आपने इस तरह का कोई प्रॉब्लम फेस किया है पहले या अभी, या फिर अभी के टाइम पे नॉर्मल चल रहा है? क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो काम करना होता है तो काम करते करते धीरे धीरे पार्टियां पकड़नी पड़ती है, जैसे हमारी यहाँ से गाड़ी लोड होती है, वहाँ से किसी और के थ्रू होती है, धीरे धीरे वो हमारे से पहचान हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो आज हम इससे बात कर रहे हैं, कल को किसी और से भी बात हो जाती है। हमारी गाड़ी रेगुलर वहाँ पे चल रही है, ट्रक हमारे वहाँ पे चल रहे हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे पहचान हो जाती है, कभी खड़ा भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं खड़ा नहीं होता, हमारी गाड़ी भी खड़ी होती है, लेकिन ये भी टाइम भी मिल जाता है वहाँ से। अच्छा, वहाँ से जो ट्रांसपोर्टर है, ब्रोकर है, उनसे कॉन्टेक्ट तो करने पड़ते हैं, जो वहाँ की जो लोकल जो वहाँ पे ब्रोकर्स वगैरह बैठे, कमीशन एजेंट्स वगैरह बैठे हैं। तुम लोग कितना लेते हैं, आपको पता है कि आपके ट्रक पे जो वो लोग लोड कर लोड दे रहे हैं तो कितना कमीशन वो लोग लेते हैं आपसे, या फिर वो लोग अपना खुद ही ले लेते हैं? नहीं, कमीशन क्या होता है कि वो जैसे कि हमारा भाड़ा हो गया, मान लो कि 50,000 है, उनसे तय हो गई कि हमारा 50,000 रुपए, ठीक है, तो अगर किसी का कमीशन होगा तो बोलते हैं कि मुझे 1,000 रुपए काट के मैं आपको भाड़ा फ्लेट काट दूंगा, ठीक है, और जो किसी का कमीशन यानी ऊपर का ही होगा तो वो पहले ही बोल देगा कि भैया तुम्हारा 50,000 रुपए क्लियर, ठीक है, तो बाकी जो बच गया वो हमारा, हाँ, तो आपको 50,000 मिलेगा, उसके बाद आपका कुछ नहीं है, जो पहुंच पाँच पे होता है तो आपको पता ही है, थोड़ा जैसे आप ट्रांसपोर्ट लाइन में घूमते घूमते बिल्कुल, तो पता ही होता है कि कितना रुकता है, क्या होता है, तो ये ऐसी। अच्छा, उसी के हिसाब से लोग अपना जो है काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। अच्छा, वो हम भी इसी हिसाब से काम करते हैं अपना, मैं भी, तो क्योंकि हमारी गाड़ी भी चलती है और हमारे पास ऑर्डर भी होते हैं, तो हमें भी बाहर से मार्केट से गाड़ी लगानी होती है। अच्छा, तो हमें भी ऐसे ही करना होता है। अच्छा, जो अभी का टाइम है, जैसे लॉकडाउन से अभी धीरे धीरे देश उभर रहा है, तो बहुत सारे ट्रांसपोर्टर आज के भी डेट में बोलते हैं कि लॉकडाउन का असर है इसलिए बिजनेस नहीं हो पड़ा, क्या आप देखे हो मार्केट में, आपका अपना भी बिजनेस है, बाकी आपके फ्रेंड्स बहुत सारे हैं जो कि इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में है, तो क्या आपको लगता है कि अभी के टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुका है या फिर अभी भी बिजनेस का कमी है मार्केट के अंदर? अभी तो ऐसे नॉर्मल तो चल रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा वो बात नहीं है जो पहले थी। अच्छा, आज के टाइम में हर कोई गाड़ी बना रहा है, आपको ये पता है, बिल्कुल हर कोई गाड़ी बना रहा है, तो गाड़ी की इतनी गाड़ी मार्केट में उतर गई, तो बात यह है कि इतना फ्रेट नहीं है लोगों के पास, लोड नहीं है, कितनी गाड़ियां हो गई मार्केट में, बिल्कुल, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं आती है। अच्छा, एक चीज और समझना सर, कि जैसे मार्केट में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो मार्केट का रेट होता है वो रेट मार्केट में मिलता नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस में लोग ट्रक लगा भी देते हैं, कोई 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 नहीं लगाते, अपना ट्रक को खड़े छोड़ देते हैं, आपका स्टेप क्या होता है ऐसे, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां पे कि 50,000 का भाड़ा लेकिन आपको बोला जाता नहीं 47,000 से ज्यादा तो मैं दूंगा नहीं, तो आप उस कंडीशन में क्या करते हो? देखो क्या होता है कि आज के टाइम में मार्केट की भरपाई, मार्केट की गाड़ी की भरपाई है, कितनी गाड़ियां हैं तो मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है कि बहुत से गाड़ी वाले ऐसे होते हैं, हम भी हैं, इसमें ऐसे कोई नहीं कि हम नहीं है, कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, 2-3 हज़ार रुपए कम मिल रहे हैं, एक दिन का तो काम खत्म हुआ, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर खड़ा रहा तो भी 4-5 हज़ार रुपए का खर्चा है, खर्चा है, तो इससे बेटर ये है कि वो 3-4-5 हज़ार जो कम होंगे थोड़ा सा कम करके भी लगाओ, गाड़ी निकालो, ताकि 5,000 रुपए का जो खर्चा है वो खर्चा ना हो, ले वो जो एक तरह से लॉस ना हो, क्योंकि गाड़ी खड़ी होगी तो हमें तो किस्त भी देनी पड़ती है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जो लॉकडाउन का टाइम था वहाँ पे देखा गया था कि बहुत सारे लोगों का लोन वगैरह का जो इशू हुआ था, ईएमआई वगैरह का बहुत सारे लोगों का हुआ था, आपके नजर में क्या लगता है कि आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है कि टाइमली गाड़ी का ईएमआई नहीं दे पाए, या फिर फाइनेंसर वगैरह का भी बहुत सारा कॉल्स वगैरह आता था उसे टाइम पे, तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ? उस टाइम हुआ तो जरूर है, लेकिन बात यह है कि उस टाइम में फाइनेंसर ने इतना जोर ही नहीं दिया, जो काम ही नहीं था, लेकिन आप परेशान कर रहे हैं। अच्छा, उस समय का जो है वो अब निकाला जा रहा है, अब निकाला जा रहा है, अब परेशान कर रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन देना पड़ेगा, तो ले आओ तो देना पड़ेगा। अच्छा, असर एक चीज और बताइएगा, जैसे कि इतने ट्रक्स आप चलवा रहे हो तो ड्राइवर्स भी रखे होंगे, ड्राइवर के साथ एक्सपीरियंस कैसा है? ड्राइवर के साथ हमारे जैसे कि ड्राइवर का स्टाफ है, तो जो भी है सही है, ऐसे कुछ नहीं है सही नहीं है, तो उनके सैलरी टाइम पे मिलते रहे, तो बेचारे कुछ नहीं करेंगे, अगर सैलरी परेशानी करोगे तो फिर तो करेंगे,
अच्छा क्योंकि हमारे भी बीवी बच्चे होंगे, वो सभी देखना जरूरी हो जाता है। आपके नजर में इंडिया इतना बड़ा देश है, हर जगह के लोग आज के डेट में ड्राइविंग लाइन में हैं, आपके नजर में सबसे अच्छे जो ड्राइवर्स होते हैं ट्रक के, वो कहाँ के होते हैं? सबसे अच्छी हमारा तो जो स्टाफ है हमें तो वही अच्छा लगता है, हमारे लोकल का स्टाफ है सारा सारा। अच्छा, हमारे उत्तराखंड का ही है सारा सारा, जो हम कई बार से पकड़ते हैं क्योंकि आसपास के हैं सारे सारे, नहीं रखते हैं। अच्छा, मतलब सामने की गारंटी भी मिल जाती है, ज्यादा दिक्कत होगा तो घर के आसपास के तो खोज करके भी निकाला जा सकता है, क्योंकि ड्राइवर का कोई भरोसा नहीं। देखो चला तो सभी एरिया का रहे, लेकिन बाजे बाजा ड्राइवर इतना होता है कि गाड़ी कहीं खड़ी करा भाई पकड़ ला अपनी गाड़ी को, यहाँ से उठा के ले जाओ निकल जाओ। अच्छा, तो ये भी आसपास के सही है अपने लिए। चलिए तो सर आज बात करके आपसे अच्छा लगा। तो दोस्तों आप देख रहे थे हमारे साथ अमित जी धनी लॉजिस्टिक से, धनी लॉजिस्टिक से, और अच्छा खासा इनका बिजनेस है जो कि आज के डेट में कर रहे हैं, और जिसके बाद की मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि किस तरह से इन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, क्या स्टेप्स लिए आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो उससे आप लोगों को भी आइडिया लग गया होगा कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप्स और किस तरह से लेने होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।